गंज मुरादाबाद ग्राम तकिया देवरिया के सुरेश ने लेखपाल पर पैसा लेकर काम न करने का लगाया आरोप। उन्नाव उत्तर प्रदेश गंज मुरादाबाद से बड़ी खबर। विकासखंड गंज मुरादाबाद ग्राम तकिया देवरिया के निवासी सुरेश कुमार अपनी खेती नपवाने के लिए कई बार तहसील में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन फिर भी अभी तक सुरेश कुमार की खेती नहीं नापी गई। सुरेश कुमार जब लेखपाल से बात करता है तो लेखपाल पैसे की डिमांड करता है। लेखपाल क्या नाम है? लेखपाल ने 10,000 रुपए की मांग की। गरीब सुरेश कुमार ने लेखपाल को 10,000 रुपए दिया, लेकिन फिर भी लेखपाल ने सुरेश कुमार की खेती नहीं नापी। सुरेश कुमार ने फिर नए लेखपाल विमलेश कुमार से खेती नापने के लिए कहा, लेकिन विमल कुमार लेखपाल ने भी 5,000 रुपए की मांग की। सुरेश कुमार ने विमलेश कुमार लेखपाल को 5,000 रुपए तो दिए, लेकिन फिर भी सुरेश कुमार का अभी तक खेती नहीं नापी गई। आपको बता दूं, सुरेश कुमार एक विकलांग व्यक्ति है जो चलने के लिए और कमाने में भी असमर्थ है, लेकिन फिर भी तहसील के चक्कर लगा लगा रहा है। सुरेश कुमार रिश्वतखोरों अधिकारियों और लेखपालों को रिश्वत देकर थक चुका है। सुरेश कुमार कई बार तहसील दिवस में लेखपालों के रिश्वत लेकर काम न करने की शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। चलते राजस्व विभाग की रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी के कारण एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र ठंडे बस्ते में बदल हो जाती है। देखना अब यह है, जनपद उन्नाव में बैठे जिले की कमान संभालने वाले जिलाधिकारी ऐसे रिश्वतखोर और अधिकारियों और लेखपालों पर क्या कार्रवाई करते हैं। उन्नाव से मोहम्मद अजीज की रिपोर्ट। थाना दिवस तहसील दिवस सब काम एप्लीकेशन दे। तो कितने रुपए लिए आपके लेखपाल ने? 10,000 रुपए लिए। किसने नाम बताओ? सुरेश लेखपाल। सुरेश लेखपाल ने 10,000 रुपए लिए आपसे, और जो नया वाला अभी आया था उसको 5,000 कहाँ पर दिया? उसको तहसील में दिए उसको 5,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद भी आपका ये मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई? कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये कहें कि मतलब फर्नीचर 3 बजे आ जाओ तुम प्रधान को मान लीजिए, प्रधान को इंतजार करते रहे फिर नया फिर खाना बूथ तक आई देख ले तब फिर नया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और फिर हमने फोन किया तो कहने लगे ऐसे पट्टा निप जाएगा, मिल जाओ यहाँ आओ मौका पर मिला हुआ है तब तुम पट्टा निपेगा, ऐसे पट्टा नहीं निपेगा। बांगरमऊ तहसील के लेखपाल बार बार किसानों को, गरीब किसानों को तहसील बुला के उनसे पैसे खींचने के लिए कहते हैं, लेते हैं, और उसके बाद ये अपने पैरों से विकलांग हैं और इनकी स्थिति ऐसी है कि ये ना चल सकते हैं ना कुछ, और ये एक लाठी का सहारा लेके चलते हैं। जब लेखपाल कोई फ़ोन करते हैं तो लेखपाल इनसे कहता है कि तहसील आइए। तहसील आने के बाद जब तहसील जाते हैं तो इनसे तहसीलदार लेखपाल जो है वो रुपये मांगता है, और रुपए देने में असमर्थ होते हैं। बार बार रुपए देने के बाद काम जब नहीं होता है तो कि वे इंसान का क्या किनारा है? अभी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?